टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर मोहम्मद शमी की टीम इंडिया में वापसी हो चुकी है, लेकिन पहले टेस्ट मैच से पहले ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है कि शायद शमी को प्लेइंग 11 में मौका नहीं दिया जाए। आपको बता दें कि 4 महीने से लंबे विवाद से निकलकर शमी पहला टेस्ट मैच खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन एसेक्स के खिलाफ प्रैक्टिस मैच के दौरान शमी ने 21 ओवर गेंदबाजी की और करीब 3.25 की औसत से 68 रन दिए, लेकिन शमी के हाथ कोई विकेट नहीं लगा। ऐसे में उमेश यादव और ईशांत शर्मा ने जबरदस्त गेंदबाजी की और ईशांत ने 3 और उमेश यादव ने 4 विकेट हासिल किए। अब विराट कोहली की इस टीम में इंग्लैंड में 3 पेसर खिला सकते हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या लगभग खेल लेंगे। उमेश यादव का भी खेलना तय माना जा रहा है, ईशांत शर्मा का भी खेलना तय माना जा रहा है, यानी कि मोहम्मद शमी को बाहर बैठना पड़ सकता है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या विराट कोहली शमी को बाहर बिठाने का रिस्क लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मोहम्मद शमी एक लंबे विवाद से बाहर आए हैं और लंबे समय बाद उनकी टीम इंडिया में वापसी हुई है। वेल, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि इस स्टार तेज गेंदबाज को टीम इंडिया में मौका दिया ही जाना चाहिए। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस।